करो। पहले कौन फाइल में अगर मैं बोलूं आपकी जर्नी छोटी रही लेकिन बहुत अच्छी जर्नी रही, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, आप सेटिस्फाइड है आपकी जर्नी से या फिर लगता है कि कुछ और कर सकते थे? मुझे पता है कि अगर ये एविक्शन उस तरीके से नहीं होता तो मैं ऑब्वियसली मैं और भी बहुत आगे तक जाती, आई एम श्योर आई वुड हैव बीन देयर इन द फिनाले। एंड ये एविक्शन मेरे ऑडियंस की वजह से नहीं हुआ है और ना ही ये एविक्शन बिग बॉस की तरफ से हुआ है, ये एविक्शन किसी घर वाला बाहर वाले की तरफ से हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि अगर ये मेरे ऑडियंस के हाथ में होती तो मैं आज अभी इधर आपके साथ में बैठी हुई नहीं होती। आप चेस भी खेलते हो ना तो अगर स्ट्रॉन्ग जितने भी प्यादे हैं वो अगर निकाल देते हो ना तो आप जीत जाते हो। तो इट्स ऑल्सो अ चेस राइट, ये खेल भी चेस की तरह ही है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि लव कटारिया को आपसे डर था कि कहीं आप ट्रॉफी लेके ना निकल जाए और वो पीछे हट जाए। अगर मैं रहती तो वो ट्रॉफी मेरी है, मुझे भी पता है। यू नेवर नो, आई माइट जस्ट गो बैक इन wild card, you never know. But उनकी तरफ से you know बाहर और भी लोग हैं, जैसे वो कहते हैं हर time Elvish Army और पर वो उनका नहीं है ना, Elvish का है ना, Elvish का। So what do you have to say, like जो supporters हैं और फिर you know साई केतन को भी उन्होंने धमकी भी दिया है बाहर। I think that is very wrong. आप किसी को ऐसे threat नहीं कर सकते, वो legally भी गलत है। अगर साई चाहे तो उसपे legal case कर सकता है, by the way. आप किसी को ऐसे जान पे हमला करना, ये करना, वो करना, तू बाहर निकल मैं तुझे देख लूंगा, आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। मैंने इससे पहले भी इंटरव्यू में बोला है, व्हाट इफ कोई आपके फॉलोअर्स, आप इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो ना, व्हाट इफ समवन अटैक्स साई, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? हो सकता है, यू नेवर नो। आपके मिलियंस में फॉलोअर्स है, हो सकता है किसी कोई बंदा जो दिमाग से पैदल हो सच में कर दे वो चीज़ साई के ऊपर, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? आप तो बोलोगे सही मैंने तो नहीं किया, पर आपने तो बोला ना वो बात, तो हो सकता है कोई करे फिर। सो आई थिंक साई मतलब उनको आइदर ये उस चीज़ के लिए पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैं ऐसा मीन नहीं कर रहा था, वो कई बातों में निकल गया है, वॉट एवर यू टेल योर फैंस और योर पीपल और वॉट एवर योर आर्मी कि दैट यू डिडंट मीन इट। और साई टुक मतलब साई को लीगली एक्शन लेना चाहिए उसके बारे में, दैट्स व्हाट आई फील। आई वुड हैव डन द सेम, आई वुड हैव टेकन लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम। वेल आपने ट्वीट किया था कि अभी सब कुछ एक्सपोज, आई डिड नॉट ट्वीट इट बाय द वे गाइस, मेरा एक ही ट्विटर अकाउंट है जो मैं अपने टीम को उसका पासवर्ड देना भूल गई थी, तो उसका एक्सेस मेरे टीम के पास नहीं था। आई हैव अ ट्विटर अकाउंट विच हैज ओनली 600 फॉलोअर्स, ये मुझे अभी पता चला ट्विटर के बारे में जो मुझे नहीं पता था, और उसके भी ट्वीट्स जो है 2020 तक के, आई डोंट यूज ट्विटर सो प्लीज हैव अ लुक, दिस इज माय ट्विटर अकाउंट, आई डिड नॉट पोस्ट एनीथिंग। या उसमें कवर में फनी शी वाज माय प्रीवियस डॉग, उसका फोटो है, सॉरी दैट्स माय ट्विटर अकाउंट, और ये इसमें 2020 तक का ही पोस्ट है, किसी का मैंने रीपोस्ट किया था, आई डोंट यूज ट्विटर। और ये ब्लू टिक भी नहीं है क्योंकि मैंने वो भी नहीं करवाया है, बिकॉज आई डोंट यूज इट। ओके एवरीबॉडी सॉर्टेड, थैंक यू। यार वो लड़की मेरे बारे में क्या बोल रही है ना, मुझे एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं उसको उस यहाँ पे मैं मानती ही नहीं हूँ कि उसके कमेंट्स मेरे लिए कुछ फ़र्क पड़े यार, बट शी इज़ अ इन्फ्लुएंसर। सॉरी गाइस मेरा ना गला बैठ गया। नो नाम गुड, वो होता ना गले में, वो बात करते करते मैं सुबह से बात कर रही हूँ 11 बजे से यार, सॉरी। ओके तो हाँ, तो यू आर एन इन्फ्लुएंसर, आप अगर इससे पहले मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे अगर आप आओगे ना तो मैं हूँ डार्क, मुझे पता है, मेरे ऑडियंस को भी पता है, एंड दे सपोर्ट एंड लाइक इट। बहुत रेयरली होता है कि कभी कभार कोई रेसिस्ट कमेंट करे, जिसको मुझे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज मेरे ऑडियंस उनको ब्लॉक करते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं उनके बारे में, तो वो सब हट जाता है। यू चेक अभी मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप चेक करो,
आई एम नॉट किडिंग, एटलीस्ट अगर वहाँ पे 50 200 या 300 या कमेंट्स अगर होंगे, वहाँ में से 50 से 60 कमेंट मेरे कलर पे है, काली कलूटी, डायन, रात को दिखेगी नहीं, अरे फेयर एंड लवली लगाते, ओ बाय द वे आई एम द फेस, आई यूज टू बी द फेस ऑफ ग्लो एंड लवली फॉर योर FYI, जो भी तुम एल्विश आर्मी या क्या नाम है, लव आर्मी या शिवानी आर्मी जो भी देख रहे हो, आई एम द फेस, आई यूज टू बी द फेस ऑफ ग्लो एंड लवली, फॉर्मली नोन एज फेयर एंड लवली बाय द वे. तो वो तुझे फेयर एंड लवली लगाने की ज़रूरत है, अरे तू ब्लीच क्यों नहीं करवा लेती, अरे घिस ले अपना स्किन, आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक अबाउट मी. आज मैं जो भी हूँ ना, मेरे कलर की वजह से मैं यहाँ पे हूँ. आज मैं अलग भी दिखती हूँ ना कैमरे पे, वो मेरे कलर की वजह से, और इस कलर के साथ मैं पैदा हुई हूँ. तो मुझे शर्म नहीं है, अगर आपको शर्म आ रहा है तो वो आपका दिमाग है, आपका सोच गंदा है. तो मुझे मेरा कलर साफ करने की ज़रूरत नहीं, आप अपना सोच साफ कर लो, आपके लिए बेहतर रहेगा. और मेरे कपड़ों के ऊपर भी जो बोला गया था, मैं मॉडल थी, मेरी शुरुआत के मैंने शुरुआत किया है 2012-2013, मतलब मैं 13-14 साल की थी, मैं मॉडल थी. तो मैं वो कपड़े पहनती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, आप वो कपड़े पहनो जिसमें आप कंफर्टेबल हो. मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हूँ, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं आपको बोलूँगी आप बिकिनी पहनो. आई एम कंफर्टेबल इन बिकिनी, आई वेयर इट, मुझे मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो आपको क्यों हो रहा है. और आपने बार बार ये चीज़ बोला है, उसने अपेरेंटली, ये तो मुझे भी नहीं पता, मुझे अभी किसी ने बोला कि मेरे डीप नेक में कपड़े पहनती हूँ, उसमें भी उसने कमेंट किया है. मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं पहनूंगी, मैं साड़ी भी पहनती हूँ, मैं लाल पार सादा साड़ी भी पहनती हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं पंडाल जाती हूँ ना दुर्गा माँ के, तो उसमें लाल पार सादा साड़ी भी पहनती हूँ, मेरे लहंगे में भी फोटो है, मेरे सलवार सूट में भी है, दैट इज़ द क्लोथ आई वेयर दोज क्लोथ दैट आई एम कम्फर्टेबल विद. एंड आपके बोलने से ना बोलने से मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मैं पहनूंगी जिसमें मैं. तुम जैसी लड़की, आई थिंक उसमें मैं भड़की थी और मैं भड़कूंगी क्योंकि मुझ जैसी बहुत सारी लड़कियां बाहर देख रही है. तो तू उसको ये आई थिंक क्लियर करना चाहिए कि तुम जैसी लड़की का मतलब क्या है, किस तरफ से बोला है उसने. एक बार में एक एक क्वेश्चन करो वरना मैं भूल जाऊंगी. पहले कौन सा आंसर करूँ बताओ, पायल वाला कि शिवानी वाला? आई थिंक उनका जो एक रिलेशनशिप है वो आपके और मेरे समझ के बहुत बाहर है. और उस रिलेशनशिप में अगर किसी को मैं सबसे ज़्यादा प्रेज करना चाहूँगी तो वो है पायल. अगर वो लड़की नहीं समझती ना तो शायद ये ऐसा रिश्ता होता भी नहीं. इसके रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि शिवानी का जो बिहेवियर है वो टोटली अलग है. तो आपकी क्या बात हुई थी अरमान और कृतिका से कि वो ऐसी है नहीं शिवानी? नहीं, मैंने वैसे भी बोला है, हाँ वो तो मैंने मुँह पे बोला है, क्योंकि जब वो कैमरा पे बात करती है ना, जो वो अपेरेंटली इट्स व्लॉगिंग फॉर हर, वहाँ पर तो आप नॉर्मली बात कर रहे हो, आपका टोन भी नीचे है, आप नॉर्मली हंसते खेलते बात कर रहे हो. जब आप घर वालों से बात करते हो आपका टोन अचानक से बढ़ जाता है, आप अचानक से ऊंचे टोन पे बोलते हो, अरे हम तो ऐसे ही बात करते. नहीं, तुम जब कैमरा पे बात करती हो वैसे बात नहीं करती हो, तुम नॉर्मली बात करती हो. तो इट इज़ शॉकिंग, यू आर प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स. और मुझे नहीं पता था कि लोग मिट्टी खाते हैं, मैंने कभी नहीं खाया. और अनिल सर ने भी बोला कि बचपन में लोग मिट्टी खाते, पर वो बचपन में खाते, तुम 22 साल की हो, तुम बच्ची तो अभी हो नहीं. बचपन में अपेरेंटली बच्चे जो होते हैं वो कैल्शियम की वजह से चॉक्स वगैरह खाते हैं, विच इवन आई डिड. मैं भी चॉक खाती थी बचपन में कैल्शियम की वजह से, मिट्टी भी खाते, पर अभी तुम बच्ची हो नहीं. तो मिट्टी खाना मुझे थोड़ा सा वो अजीब सा लगा. आई डोंट नो, अगर गाँव में कोई ऐसा करता है, मेरे नॉलेज में नहीं है, मुझे माफ़ कर देना अगर मैं गलत बोल रही हूँ. सो आई पर्सनली डोंट हैव आइडिया अबाउट इट. आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स, आई डू नॉट हैव, व्हाई वुड आई रिग्रेट, इट्स वन ऑफ द बेस्ट शो, रनिंग शो. मैं OTT पे भी मुझे लगता है जितना होता है, आई थिंक बिग बॉस नॉर्मल वाले पे भी उतना ही होता है. तो आई थिंक इट्स द माइंड सेट, आप
यहाँ पे भी जैसे रहोगे, अगर आप वो वाला घर भी करोगे, आई थिंक रूल्स एंड रेगुलेशन सारे शोज के लिए सेम है, चाहे आप वो OTT करो चाहे आप वो चैनल वाला भी करो. आई थिंक रूल्स और रेगुलेशन और जैसे आपको नॉर्मल वाले चीज़ें होते हैं ना, वो सारे सेम है. आई थिंक ऑडियंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है. ऑडियंस की बात, अगर ऑडियंस की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक जनरेशन वाइज थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि आई थिंक जो चैनल पे आता है वो मेरे घर वाले भी देखते हैं, पर अभी तो वो भी ऑनलाइन हो गया है, तो उसमें भी आई थिंक ये वाले जो ऑडियंस होते हैं ना OTT वाले, वो वाले भी आई थिंक चैनल वाले पे आते हैं, क्योंकि दैट्स ऑल्सो लाइक इट्स अवेलेबल ऑन फोन. तो रिग्रेट तो वैसे भी कुछ नहीं है. आई थिंक मुझे बुरा लगा था, मुझे सच्ची बहुत बुरा लगा था, मुझे सच्ची लगा था कि वो इस बारे में बात करेंगे, बट देन बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, आई नो हमारे इंडस्ट्री में एक चीज़ है जिसको कहते हैं स्केड्यूल या शेड्यूल, हाउ एवर यू वांट एड्रेस इट. और वो वाला वीकेंड का बार का जो एपिसोड होता है ना, वो हमें शूट करना पड़ता है, और वो उसका जो ड्यूरेशन होता है टेलीकास्ट करने का, वो एक लिमिटेड टाइम है, इट्स नॉट 24/7 लाइव. तो वो लिमिटेड टाइम जब भी हमारे पास होता है ना, तो वो उसको स्केड्यूल के हिसाब से चलना होता है, कि लाइक हम पहले 10 मिनट में ये दिखाएंगे, फिर 15 मिनट में ये दिखाएंगे, फिर करके करके हमें एक एंड वाला भी देना पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दे वर नॉट प्रिपेयर्ड कि लाइक ये होगा, अगर क्योंकि ये मुद्दे पे अगर बात होती तो ये लंबा चलता. तो कहीं ना कहीं मुझे लगा था, मुझे पता था कि अगर मैं घर पे रहती ना, नेक्स्ट वीक इस मुद्दे को लेकर सर बात करते जरूर, क्योंकि अनिल सर कुछ भी हो वो किसी चीज़ को बोलने से ना घबराते नहीं है, या डरते नहीं है, या फिर वो हेजिटेट भी नहीं करते हैं. आई हैव सीन हिज इंटरव्यू, इज़ वेरी ब्रूटल एंड ब्लंट अबाउट हिज स्टेटमेंट्स. और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मुद्दा है, मुझे पता है कि आगे चल के वो एड्रेस करते ही करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये बाहर मेरे जैसे यहाँ पे भी कितने सारे हम होंगे जिनका ये सेम स्किन कलर है. तो ये एड्रेस कहीं ना कहीं बिग बॉस करेंगे ही. बिग बॉस इज़ नॉट अनफेयर टू एनी वन. वो बहुत सोच के, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आदमी है जो सब चीज़ पे ध्यान रख रहा है, देर आर मल्टीपल पीपल इनसाइड जिनका आँख 2400 घंटे हम पे है. तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो चीज़ आगे जाके एड्रेस होती या होगी पता नहीं, बट या बट आई थिंक वो दिन था नहीं, बिकॉज आई थिंक दे वर आल्सो नॉट प्रिपेयर्ड. हाँ, एक कोई एक साई और सना, सना सुल्तान. मुझे नहीं लगता वो, अरे वो लव और विशाल के लिए भी नहीं रुकी, उसके बारे में भी पीछे बात कर रही है, तो नेजी के पीछे क्या जाएगी, उसको जब जरूरत है she will use it and then she will go ahead with it. Even आपके पहले पायल का भी eviction हुआ, नीरज का भी eviction हुआ, लेकिन audience का कहना था कि unfair eviction था, और अब आपका हुआ, तो आपको क्या लग रहा है ये pre-plan है या फिर audience के वजह से? I don't know, नीरज भाई का और पायल का eviction उनका वोट के हिसाब से हुआ था क्या? घर के बाहर उन दोनों को भी बाहर हुआ था, नीरज का घर के ही हिसाब से हुआ था और बाहर के हिसाब से भी हुआ था. मुझे भी नहीं पता एक्चुअली, मुझे याद नहीं है. कंफर्म कर लो ऑडियंस है कि बाहर वाला है. बाहर वाला तो आई थिंक ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि बाहर वाला जब आपको नॉमिनेट करता है ना, somehow you feel bad because it's not by the audience. हम बिग बॉस में जाते हैं ऑडियंस के ऊपर भरोसा करके. मैं तो भाई पूरे ऑडियंस पर भरोसा करके गई थी, और मेरे पास उतना ऑडियंस है भी नहीं, पर फिर भी मैंने बोला कि जो लोग मुझे देखोगे मैं आगे जाऊंगी तो वहाँ पे भी जाके कोई ना कोई ऑडियंस बनेगा. तो मैं तो बिल्कुल उसके भरोसे पे गई थी. तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मेरी ऑडियंस मेरे साथ होती तो मैं बाहर नहीं होती. रणवीर सर बहुत सीनियर है, और ये सबको ये बात समझना चाहिए कि बड़ों के साथ बड़ों के तरह बात करो, अनटिल अनलेस दे मेक यू फील अनकंफर्टेबल और व्हाटएवर, वो दूसरी बात है. अगर वैसा है देन यू टेक योर स्टैंड, अगर नहीं है रिस्पेक्टफुली स्पीक टू योर एल्डर्स, दिस इज द लीस्ट यू कैन डू. ये एटलीस्ट
आपके घर पे भी यही सिखाते होंगे कि जो भी आपके बड़े हैं उनको उनसे ढंग से बात करो, रिस्पेक्टफुली बात करो, क्योंकि ये एक चीज़ है ना, ये आई थिंक अपब्रिंगिंग में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि आप अगर देखोगे घर पे जो भी मुझसे छोटे थे और मेरे उम्र के हैं, मैं उनसे तू या तुम करके बात कर रही थी। जो भी मुझसे बड़े होते हैं, मैं आई ऑलवेज एड्रेस देम, और पहली बार अगर मैं उनसे मिल लूँ तो आई ऑलवेज एड्रेस देम एज आप, क्योंकि दैट इज़ समथिंग आई हैव बीन टॉट बाय माई फैमिली एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव दैट फैमिली। तो आई थिंक ये थोड़ा सा ना वैसा है कि उनको थोड़ा समझना चाहिए, ही इज़ वेरी सीनियर, रिस्पेक्टफुली उनसे बात करो अंटिल अनलेस ही क्रॉसेस बात, फिर उसके बाद तुम भाई अपने हिसाब से बात करो, फिर तुम अपने हिसाब से वो चीज़ दो। बट इफ ही इज बींग फेयर टू यू देन जस्ट पुट रिस्पेक्ट, बिकॉज ही इज अ वेरी सीनियर एक्टर। वो सही है, वो सही है। देखा मटन खाएगी, मटन। मैं जिस दिन बाहर निकली आई हैड आइसक्रीम, मैंने पिज्जा खाया था और मैंने मटन सीख कबाब खाए थे, पर मैं एक ही खा पाई थी, मेरा एपेटाइट बहुत कम हो गया, तो शायद उसकी वजह से मैं पतली भी रह सकती हूँ थोड़ी बहुत, मैं बहुत पतली हो गई हूँ। पता नहीं, we'll see about that. Sai, Ranveer, either it will be between Vishal or Arman. Okay, thanks. Thank you. Thank you.